तो हमारे हिसाब से इन दी होल जो है, जो भी मोदी कर रहे हैं वो देश के लिए बेस्ट कर रहे हैं। हमारे फ्रंटियर्स को जो है ना सुदृढ़ करने के लिए ट्रंप जो है जो भी अच्छे अच्छे हथियार हथियार क्या नाम है वो दे रहा है, पहले की गवर्नमेंटों को तो ना दिए उन्होंने। देखो जो ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं वो उसी का ही भरपाई कर रहे हैं जो मोदी वहाँ पे अमेरिका गए थे और वहाँ पे जाके बोला था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तो वो प्रमोट करने के लिए अपने आप को इंडिया में आ रहे। पहली बात, ट्रंप आ रहा है और आने से पहले कह रहा है कि भारत ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप के साथ 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बतौर राष्ट्रपति पहली बार भारत आ रहे ट्रंप इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। वो अपने दोस्त मोदी से मिलने के लिए कितने बेकरार है ये उनकी चुनावी रैलियों से समझ सकते हैं। वो अपनी चुनावी रैलियों में कई बार भारत दौरे के बारे में जिक्र कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री ट्रंप और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात के बाद अमेरिका से भारत के कूटनीतिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को भी ट्रंप मोदी की दोस्ती से सख्त संदेश जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस अहम दौरे को देश की आम जनता किस तरह से देखती है ये जानने के लिए देखिए एनएमएफ न्यूज का दमदार ओपिनियन पोल। देखो ऐसा है, जो अमेरिका है वो वर्ल्ड का जाना माना कंट्री और रिच कंट्री है और हर तरफ से इनकी हेल्प पहले भी इंडिया की होती रही है और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो इसको अच्छा और बनाने के लिए जो मोदी जी स्टेप उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। बाकी अपोजिशन का काम जो होता है अपोज करना होता है, हर अच्छा करोगे तभी अपोज करना है, गलत करोगे तो उनका काम तो अपोजिशन का होता है अपोज करना। तो हमारे हिसाब से जो है वो बहुत ही अच्छा स्टेप ले रहे हैं, जो उनके स्वागत के लिए तैयारियां हो रही हैं, जो खर्च हो रहा है ओपोजिशन के तहत 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं, चाहे वो 20 करोड़ कर रहा था ओपोजिशन कहना 100 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें क्या फ़ायदा है? ये आखिर देश के, ये प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, उनको पता है मैं क्या देश का फ़ायदा कर रहा हूँ या नुकसान कर रहा हूँ। अब दूसरा, ट्रंप ने यह कहा कि मैं अभी उनके साथ कोई डील नहीं करेगी, डील हमारी चल रही है पहले, उसमें भी ये मोदी ने कई चीज़ों पे उन पर रोक लगा दिए अमेरिका के, ये हम आपको इसके एक्साइज वगैरह बढ़ाने नहीं देंगे, तो वो इसलिए वो थोड़ा उन पर नाराज़ भी हैं, इसलिए वो कहते हैं हम आगे डील जो है वो सोच समझ के करेंगे कि कुछ आपको आगे सामान देने के लिए कंपेल करेंगे, जो हम अपनी उनकी जो है चल रहा है डीलिंग, कुछ मोदी सख्त स्टेप उठा रहा है उनके लिए भी, आपको इतनी हम उसके फीस जो है उसकी नहीं दे सकते या उसकी कॉस्ट नहीं दे सकते, लेकिन वो ये बढ़ाने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं आपको बढ़ानी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी मन में ये खटास भी चल रही है इनके, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो कहते हैं अभी हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में वहाँ पर इलेक्शन भी हैं अमेरिका ने, तो वो कहते हैं उसके बाद जैसा हम देखेंगे भी क्या निकल के आ रहा है पैनल भी, हमारा कुछ चांस हैं या नहीं है, हो सकता है उससे पहले भी हो सकती है डील, बाद में भी हो सकती है, तो हमारे हिसाब से इन दी होल जो है, जो भी मोदी कर रहा है वो देश के लिए बेस्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, वहाँ पर भी जब ये गए हैं हाउडी मोदी में तो उन्होंने भी जिस तरह से उनका वेलकम किया है या जो इनकी तारीफ करी है तो वो भी बड़ा अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी तारीफ हुई है, तो ये भी ऐसा एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि ये भी एक देखने लायक प्रोग्राम हो, इसको जितना भी अच्छे से अच्छा बना सकते हैं उसको बनाया जाए। ट्रंप का दौरा आप इसको पॉजिटिव में लें तो बहुत अच्छा है, और ट्रंप सबसे पहले बिजनेसमैन है, बाद में वो किसी के साथ है। असली ट्रंप वास्तव में चाहता है कि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में इम्पोर्ट हों, जो कि वहाँ की इंडस्ट्री ख़राब हुई पड़ी है इसके बारे में, अपना डेयरी प्रोडक्ट्स की वहाँ लोगों का माल नहीं बिक रहा और यहाँ वो चाहता है यहाँ आए, वो हम नहीं ले सकते कि हमारे पास ऑलरेडी हमारी जो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है उनके आते पे हमारी पे असर पड़ेगा, परंतु व्यापार की बातें हैं ये तो ले दे के करनी पड़ेंगी और करेंगे। अब आइए आज की तारीख में उन्होंने नया आपको हेलीकॉप्टर भेज देने का सौदा कर लिया है, पता नहीं क्या नाम रोमियो टाइप से, तो हमारे फ्रंटियर्स को जो है ना सुदृढ़ करने के लिए
ट्रंप जो है जो भी अच्छे अच्छे हथियार अच्छे क्या नाम है वो दे रहा है, पहले की गवर्नमेंटों को तो ना दिए उन्होंने। अभिप्राय ये है कि ये डील तो बाइलेटरल होती है, अगर उनको कुछ सोच रहा है तो इनको भी करना पड़ेगा। और दूसरा जहाँ तक स्वागत की बात है, भाई आपके घर कोई छोटा बड़ा सा भी मेहमान आता है तो आप क्या नहीं करते? करते हो ना, घर की सफाइयाँ करते हो, घर में किसी को बुलाते हो, कपड़े साफ़ सुथरे डालते हो और प्रेजेंट करते हो ना कि मेरा घर अच्छा है, आप आए हैं तो लाइक दैट कंट्री भी कर रहा है, कंट्री छोटा नहीं है, वो भी कर रहे हैं और इसी बहाने से देश में प्रगति हो रही है। अगर मोटेरा में एक नया ऑडिटोरियम बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, तो वो देश के अंततः तो वही देश के काम आना है ना, तो उसको आप ये कोई इशू बना दो तो वो बात नहीं होती। देखिए ये राज्य अध्यक्षों का आना जाना तो चला रहता है, अगर मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी का मान सम्मान नहीं बढ़ा क्या वहाँ? और रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे के, आप किसी के घर जाते हैं एक गिलास पानी पीते हैं तो दूसरा भी कहता है मेरे घर भी मैं भी इनको पानी पिलाऊं, तो यही पोजीशन है। तो अभिप्राय यह है कि इट विल बी ए देखिए सक्सेसफुल फॉर द कंट्री और आल्सो हेल्पफुल फॉर द कंट्री आल्सो, क्योंकि रशिया हमारे पास आजकल चाइना का और इधर अमरीका जैसा का दबाव जो है ना वो क्या नाम है पाकिस्तान का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए रशिया अमरीका का हमारे साथ इस प्रकार खड़ा होना भी जो है ना एक देश के लिए हितकर होगा। देखो जो ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं वो उसी का ही भरपाई कर रहे हैं जो मोदी वहाँ पे अमेरिका गए थे और वहाँ पे जाके बोला था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तो वो प्रमोट करने के लिए अपने आप को इंडिया में आ रहे, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों ही राइट विंग की गवर्नमेंट है, अमेरिका में भी और इंडिया में भी, वो जो इनके एजेंडे हैं एक जैसे इनके एजेंडे रहते हैं धार्मिक चीज़ें। तो जो ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं, ये इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं होता ट्रंप के आने से, कोई सिर्फ अमेरिका का ही से फ़ायदा होगा। और वह मिसोजाइनिस्ट व्यक्ति हैं, महिलाओं को सताने वाले वो व्यक्ति हैं, उन पर उनके कमेंट अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ईरान पे वो वार थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जैविक हथियार बोल के इराक को पूरा उन्होंने तबाह किया और बाद में कोई जैविक हथियार नहीं मिले, और अब वो इंडिया में आके अपने जो चीज़ अपने आप को ही वो प्रमोट कर रहे, अभी घूम रहे, इम्पीचमेंट उन पे लगा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे सुलेमान जो इराक के मिलिट्री में होने की और उनकी हत्या वहाँ पे इनके द्वारा कर दी गई और इम्पीचमेंट इनका रुक गया, सेम बिल क्लिंटन ने पहले वहाँ पे किया था। हमेशा एक बेसिक बात है, कोई भी देश अपना फ़ायदा पहले देखता है, दूसरे देश का नहीं देखता। अगर कोई तकनीकी भी अगर कोई किसी को देता है तो पहले अपने जगह पे वो करते हैं इस्तेमाल। अगर इंडिया को फ़ायदा होता, क्या अपना जो इनका मिलिट्री की चीज़ें जो वो बनाते हैं, क्या वो फॉर्मूला इंडिया को बताएंगे? नहीं बताएंगे। जब तकनीक पुरानी कुछ हो जाता है या कोई ऐसा चीज़ होता है तब वो दूसरे देशों को देते हैं, सेल करते हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए ही यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं। बात गुजरात मॉडल की, उनको दीवारें छुपानी पड़ रही हैं, जो काम कांग्रेस ने 2010 में किया था कॉमनवेल्थ गेम के दौरान कि झुग्गियाँ ना दिखे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, बड़े गगनचुंबी जो इन्होंने होर्डिंग लगाए थे उस टाइम कि झुग्गियाँ ना दिखे, बाहर से विदेशी आएंगे इंडिया में, सेम उसी तरीके का ये अभी भी दीवारें गुजरात मॉडल जो इनका है, गुजरात मॉडल ये है कि वहाँ पे झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे नहीं हुआ विकास, 10 में 50% स्टूडेंट वहाँ पे फेल हो जाते हैं, वो अपना क्या गुजरात मॉडल दिखाएंगे? मॉडल अगर देखना है थोड़ा बहुत तो केरला का मॉडल देखिए आप, वहाँ पे लेफ्ट की सरकार है। मॉडल थोड़ा बहुत देखना है तो दिल्ली में केजरीवाल ने क्या काम किया हेल्थ स्वास्थ्य में, तो वो मॉडल देखने के लिए उनको आना चाहिए इंडिया में। देखिए ट्रंप आ रहा है और आने से पहले कह रहा है कि भारत ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, भारत ने बहुत बुरा किया है, इसलिए हम भारत के साथ समझौता मतलब व्यापार को लेकर के नहीं करेंगे, लेकिन मोदी बहुत अच्छे हैं। तो अब मोदी जी को सवाल का जवाब देना चाहिए कि भारत अच्छा नहीं है, भारत ने उनके साथ गलत किया है, ये ट्रंप कह रहा है, लेकिन मोदी उनको अच्छा लगता है, तो मोदी कुछ अलग है, भारत कुछ अलग है, तो क्या मोदी यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं है? क्या वो भारत की नीतियों से अलग है? ये तो सवाल उनसे करिए। और करोड़ों करोड़ों रुपए आप उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो गरीबों की बस्ती है उसके सामने दीवार बना रहे हैं, और ताजमहल
के सामने पानी की सफाई कर रहे हैं, और भाजपा के लोग कहते हैं ताजमहल तो देखना नहीं चाहिए, मंदिरों को जाकर देखना चाहिए, तो इनको क्यों लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो है ये मक्कारों की सरकार है, ये सिर्फ मक्कारी करना जानते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से भारत का फायदा होगा। ट्रंप खुद कह चुका है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, मैं बाद में देखूँगा, मेरा मन होगा तो मैं समझौता करूँगा। उसके बाद भी आप साष्टांग किए जा रहे हैं उनके सामने। ये तो सरकार जो कर रही है वो हमारे भारत देश के सम्मान के विपरीत है।